आप लोग, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से ईयरली करेंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वार्षिक अंक है फरवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 तक, और ये आपका 1 फरवरी 2022 तक का अपडेट किया गया है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वह है आपका 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शेष 600 MCQ को पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हम सेट पढ़ेंगे आपका सेट नंबर 26, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 26 को। तो देखिए आपके सामने सेट नंबर 26 आ गया। तो सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा ऊंचे रेत महल सैंड कैस्टल के निर्माण किस देश में किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचे रेत महल सैंड कैस्टल के निर्माण किस देश में किया गया है। ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी मिस्र। तो वन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क में किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। ऑप्शन ए वर्ष 2021, ऑप्शन बी वर्ष 2022, ऑप्शन सी वर्ष 2023, ऑप्शन डी वर्ष 2024। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय GNI प्रति व्यक्ति है। ऑप्शन ए US डॉलर 6,681 रुपया, ऑप्शन बी US डॉलर 6,427, ऑप्शन सी US डॉलर 5,040, ऑप्शन डी US डॉलर 6,535। तो आपको बताना है थ्री का राइट आंसर क्या होगा। तो थ्री का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, US डॉलर 6,681, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराया। ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी हॉलैंड। तो फोर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद किस देश से हैं। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो फाइव का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मालदीव। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव के बारे में वैश्विक जलवायु संकट सूचकांक GCRI 2021 में भारत किस स्थान पर था। ऑप्शन ए सातवां, ऑप्शन बी पांच, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी तीसरा। तो सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सातवां स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 13। तो सात का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 13। क्वेश्चन नंबर एट है, US ओपन 2021 में नोवाक जोकोविच को हराकर किसने खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन ए डेनियल, ऑप्शन बी महेश भूपति, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी मारिन सिलिक। तो एट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेनियल। तो US ओपन 2021 में नोवाक जोकोविच को हराकर डेनियल ने खिताब अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरल। तो नाइन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। क्वेश्चन नंबर 10 है, जस्टिस फॉर जज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो जस्टिस फॉर जज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस DPD कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 27 जनवरी, ऑप्शन सी 28 जनवरी, ऑप्शन डी 29 जनवरी। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 जनवरी को प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवरी 2022 में
किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी कान्हा टाइगर रिजर्व। तो 12 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता का देश है? ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी जाम्बिया, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी युगांडा। तो 13 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इथोपिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी सूरत। तो 14 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भोपाल। तो भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य ने समाचार पत्र हॉकर को 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की है? तो किस राज्य ने समाचार पत्र हॉकर को 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य ने किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है? तो किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो 16 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाइल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो वाइल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी कंपनी देश में निकल की एकमात्र उत्पादक बन गई है? ऑप्शन ए नालको, ऑप्शन बी हिंडालको, ऑप्शन सी टाटा स्टील, ऑप्शन डी वेदांता। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेदांता बन गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने फिलाडेल्फिया में आयोजित अंडर 15 गर्ल्स वर्ग के आयोजन में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन ए साइरस पोंचा, ऑप्शन बी सौरभ घोषाल, ऑप्शन सी अनाहत सिंह, ऑप्शन डी मिगुएल रोड्रिग्वेज। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनाहत सिंह ने जीता है, ठीक है, जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, ITC के ब्यूटी ब्रांड चार्मिन्स क्रीम ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया है? तो ITC के ब्यूटी ब्रांड चार्मिन्स क्रीम ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए कियारा आडवाणी, ऑप्शन बी वाणी कपूर, ऑप्शन सी सारा अली खान, ऑप्शन डी नरगिस फाकरी। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कियारा आडवाणी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 26 का जो जो भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन था वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।